वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारे गैलेक्सी के बाहर 100 प्लेनेट को खोज निकाला है। एस्ट्रोनॉमर ने मेसियर 51 गैलेक्सी में इस प्लेनेट का पता लगाया। इसे हमारे गैलेक्सी के बाहर पहला प्लेनेट कहा जा रहा है। नासा का कहना है कि यह नया प्लेनेट पृथ्वी से करीब 2,80,00,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। वैसे तो अब तक करीब 4,100 प्लेनेट की खोज हो चुकी है, जो सेलेक्टिकल रचनाएं की परिक्रमा करती है, जिसे 100 प्लेनेट कहा जाता है। 100 प्लेनेट ही सूर्य की परिक्रमा करता है। यह संभावित नया प्लेनेट हमारे गैलेक्सी के बाहर पाया गया है, जो किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है, और इसे अंक प्लेनेट कहा जा रहा है, जिस पर साइंटिस्ट फिलहाल अभी रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए यह 100 प्लेनेट इतना खास। स्पेस में पृथ्वी के अलावा कई अन्य सेलेक्टिकल बॉडी पर पानी मौजूदगी को लेकर कई तरह के दावे पहले भी किए जा चुके हैं। एक नया स्टडी से पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम के 7th प्लेनेट यूरेनस के 2 बड़े मून पर सरफेस के नीचे ओशन छिपा हो सकता है। आपको बता दें कि यूरेनस के 27 मून है, जिसमे की टाइटेनिया सबसे बड़ा है और ओवेरन दूसरा बड़ा मून। इस मून के गहराई में रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने इंटरनल वाटर को पिघलाए रखता है। टाइटेनिया और ओवेरन की तुलना में प्लेनेट के करीब यूरेनस के कई छोटे छोटे मून को ज्वारीय टेम्परेचर से अपने ज्यादातर आंतरिक गर्मी मिलती। पृथ्वी से 4000 लाइट ईयर से अधिक दूरी पर इनवर्स में मौजूद एक तारे में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को धरती से भी देखा जा सकता है। ये ओपियोज स्टार में स्थित है, जो स्टार के विस्फोट के दौरान 12 मैग्नीट्यूड वाला ऑब्जेक्ट था, मगर ये अब 4.8 मैग्नीट्यूड का हो गया है। आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉमर द्वारा पृथ्वी से इनवर्स में किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। आंखों के जरिए 5.6 मैग्नीट्यूड के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर ने बताया कि स्टार में ये विस्फोट की घटना 4566 लाइट ईयर दूर हो। इसका मतलब है कि यह घटना 4566 साल पहले हो चुकी।